हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माई डॉक्टर सैयद फहीम अली और आप सभी लोगों का स्वागत है टारगेट अभी ऑनलाइन वीडियो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज के इस लाइव सेशन के अंदर मैं आप सभी लोगों का तय दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं जी हां यूजीसी जी सी नेट की लाइब्रेरी ऑटोमेशन यूनिट का एक अत्यंत महत्वपूर्ण शीर्षक जिसका नाम है सी यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की, की बात जो है हम आज के इस क्लास के अंदर करने वाले हैं देखिए यू जी के बारे में मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि एन टी नेट के अंदर जो 10 यूनिट्स हैं आपका कंप्लीट सिलेबस हैज हैज़बिन डिवाइडेड टू 10 यूनिट्स और उन 10 यूनिट में से भी आपकी लास्ट की दो यूनिट्स यानी कि यूनिट नंबर एट और नाइन दसवीं यूनिट तो खैर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लाइब्रेरी सिस्टम्स के बारे में कही गई आपसे और दसवीं यूनिट एक्चुअल में है भी नहीं एग्जिस भी नहीं करती क्योंकि वो दसवीं यूनिट जो है आपकी वो एक से लेकर नौ यूनिट जितनी भी है उन्हीं के अंदर जो है सारा कंटेंट ऑलरेडी मर्ज है दो महत्वपूर्ण यूनिट्स हैं आपकी एक रिसर्च की यूनिट है और आपकी दूसरी आपकी लाइब्रेरी ऑटोमेशन की अगर आप एन टी ए नेट क्लियर करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले यानी कि जो बच्चे मुझसे पूछते हैं अक्सर कि सर कहाँ से पढ़ें क्या पढ़ें कैसे अध्ययन करें तो मैं उनसे ही कहता हूँ देखिए आपके पास दो यूनिट्स हैं आपको और उन दो यूनिट को आप अच्छे और बेहतर तरीके से अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली जो है आप नेट सिंगल अटैम्प्ट में आप क्लियर कर सकते हैं इवन आप जी आर एफ क्वालिफाई कर सकते हैं रिसर्च की जो यूनिट है यानी कि जहाँ पर शोध या रिसर्च मैथोलॉजी की बात करिए शोध प्रवृत्ति की बात है वहाँ पर और दूसरी एक यूनिट है जिसका नाम है लाइब्रेरी ऑटोमेशन यानी कि पुस्तकालय स्वचालन ये दोनों इकाइयां ऐसी है जहां पर आम तौर पे जो है आपको नवीन चीज़ें देखने को मिलती है और लगातार जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है आज पूरे संसार के अंदर तो हर विषय के अंदर देखा जाए तो वो रिसर्च का ही पार्ट है शोध का ही पार्ट है शोध में अक्सर नई चीज़ें आती है वहां पर और इवन यहाँ तक सवाल पूछे जाते हैं आपसे कि नया लेटेस्ट क्या हुआ तो अभी जैसे हर एग्जाम के अंदर अगर आप देखेंगे तो एवरी सिक्स मंथ में जितना भी सीनेरियो चेंज होता है वो सब कुछ जो है रिसर्च और लाइब्रेरी ऑटोमेशन यानी कि ऑटोमेशन में भी आप देखेंगे तो समय के साथ अत्यंत जो है नई नई चीजें चेंज चीज़ होती है चाहिए हेलो 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 देखिए क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है प्लीज़ कमेंट करके आप बताएंगे क्योंकि देखिए देर वॉज सम नेटवर्क इशू कुछ मैंने कुछ इश्यू रिजॉल्व किया तो शायद अब आप तक जो आवाज़ जो है शायद पहुंच रही होगी प्लीज़ बताइएगा इज इट ओके और नॉट हेलो आवाज़ क्लियर है देखिए मैं आपको बता दूं देखिए इट इज नॉट इन माय हैंड और देर इज हैवी रेन आउटसाइड और बारिश तेज होने की वजह से जो है ये आपका नेटवर्क इशू है और क्योंकि इंटरनेट इशू जो है वो इसके अंदर आ रहा है बैंडविड्थ जो है उसके अंदर कई सारे वेरिएशन आ रहे हैं और वेरिएशन होने की वजह से ही जो है आपका सिस्टम जो है थोड़ा सा वो प्रॉब्लम कर रहा है इसलिए अब मेरे साथ शायद आवाज़ और आ, आपको वीडियो भी ऑडियो और वीडियो दोनों ए भी क्लियर है आपको तो यहाँ से जो है हम लोग आज का टॉपिक यहाँ से प्रारंभ करने की कोशिश करते हैं और जी थैंक यू शुक्रिया बहुत, बहुत बहुत अभी सभी लोगों का और क्षमा चाहता हूँ कि देखिए ये कुछ चीज़ें खैर आपके भी हाथ में आप दिखाओ आपके हाथ में नहीं होती तो उसी प्रकार से मेरे हाथ में भी नहीं है लेकिन एक प्रयास जो है वो जरूर कर सकते हैं और ये तरीका है आज का ये युग है और जहाँ पर डिजिटल युग है डिजिटल युग के अंदर हम लोग सभी की जो डिपेंडेंसी है वो आपकी आज के इस दौर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट है आईटी के ऊपर नेटवर्क पर बैंडविड्थ के ऊपर जो है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो है हम सभी जो है क्योंकि ऐसा कुछ चीज़ कुछ चीज़ों के तो ऑल्टरनेट है हमारे पास जो हम लोग कर सकते हैं लेकिन कुछ चीज़ें अभी तक भी जो है हमारे हाथ में नहीं है जो कि जैसे इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है कि वो जाकर भी जो है हमारे हाथ में नहीं है अगर मान लीजिए बैंडमिट लो हो जाए तो उसको हम लोग सही नहीं कर सकते हैं ना ओके okay, सो so, अभी जी बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सभी लोगों का वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू मैं लाइब्री ऑटोमेशन का देखिए कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा लाइब्री ऑटोमेशन के अंदर मैंने आपसे पहले भी कहा था कि दो चीज़ें हैं ना दो यूनिट्स की मैं आपसे बात कर रहा था मैं दोनों की बात और एक बार फिर से यहाँ पर स्टार्ट कर रहा करूँ सो so, क्या क्या चीज़ें हैं तो आप देखेंगे यहाँ से पहली चीज़ है देखिए आप जब हम एन टी एन टी नेट की तैयारी करते हैं तो एन टी नेट के अंदर जो है मैंने आपसे कहा था कि दो यूनिट्स है आपके ना और दो टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है पहला मैंने आपको बताया कि रिसर्च मैथडोलॉजी और दूसरी जो यूनिट है आपकी जो मुझे लगता है कि हाँ इंपॉर्टेंट है इट इज लाइब्रेरी ऑटोमेशन तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन को हम हिंदी में कहते हैं पुस्तकालय स्वचलन कहेंगे इसको हम लोग सिंपल सी बात है पुस्तकालय पुस्तकालय स्वचलन सो चालन ठीक है सो दिस इज इंपॉर्टेंट तो मैं आज जो इसकी यूनिट की बात करूँ आपसे ये आपकी जो है इट्स यूनिट नंबर एट है ना अगर सिलेबस के अंदर देखेंगे तो आपका मिलेगा पुस्तकालय शौचालय जो है कौन सी है तो ये आपका इट इज़ यूनिट नंबर एट है आपका सिलेबस के अंदर देखा यूनिट नंबर एट है आपका और जो रिसर्च मैथोलॉजी आपका यूनिट नंबर नाइन है ओके okay, तो मैं यूनिट नंबर एट का ही टॉपिक जो आपको लेके चल रहा हूँ अब यूनिट नंबर एट के अंदर जो टॉपिक है आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ सिंपली वॉट हमारा है सी टॉपिक का नाम जो मैं आपको बता रहा हूँ इट्स सी शॉर्ट में बोलते हैं सी का मतलब है तीन चीजें यहां पर कंटेंट एम का मतलब है मैनेजमेंट ओके okay, और एस का मतलब क्या है एस वाई एस टी एम सिस्टम यहां पर हम लोग एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे ना आज की इस क्लास के अंदर हम लोग कई सारे एग्जाम्पल मैं जो चीजें आपको पढ़ाने वाला हूं तो आप एग्जाम्पल आपने सुनोगे ना अपना नाम सुना होगा आपने रूपाल जुमला वर्ड प्रेस तो ये एग्जाम्पल्स है, हैं ये एग्जाम्पल्स किसके आपके सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ टी एमएस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं हम ऐसे ही एग्जाम्पल्स के बारे में जो है आज की क्लास के अंदर जो बात करने वाले हैं जी इज इज ओके जी बिल्कुल आदर्श जी कह रहे हैं सर 170 मार्क्स इन ओबीसी कैटेगरी सी कैटेगरी जारी बिल्कुल डेफिनेटली आप 170 मार्क्स के ऊपर जो है आप नेट जो है आप क्वालिफाई कर सकते हैं आप मार्जिन पे हैं लेकिन होप्सों कि है ना आपका जो है यहाँ पर सिलेक्शन हो जाए आप ये नेट को जो आप क्वालिफाई कर लें डी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम तीन चीज़ें हैं यहाँ पर शब्द के अंदर तीन है तीन शब्द पहला है कंटेंट उस कंटेंट को मैनेज करने के लिए हमने जो सिस्टम बनाया जैसे आप कहते हैं ना डीबीएमएस कहते हैं आपने नाम सुना होगा डीबीएमएस है ना जब हम डीबीएमएस की बात करते थे डीबीएमएस के अंदर क्या आता है ये डी इट्स डी बी एम एस यहाँ पर वही है एम एस का मतलब मैनेजमेंट सिस्टम है लेकिन डीबी का मतलब क्या होता है इट्स नोन एज डेटाबेस तो जैसे आपका डेटाबेस है तो डेटा पर आधारित एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जो कि डेटा को मैनेज करता है ऐसे ही हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं एस की बात करें तो सी एम एस क्या यहाँ पर भी मैनेजमेंट सिस्टम है लेकिन किसका मैनेजमेंट सिस्टम है कंटेंट का अब कंटेंट क्या है तो आज के इस दौर में कंटेंट आपके पास जो जितने भी चीज़ें लाइब्रेरी के पास जो भी चीज़ें हैं अपने जितना भी रिसोर्सेज संसाधन है सब कुछ चीज़ें ईच एंड एवरी इज नोन एज कंटेंट कंटेंट मतलब दैट इज़ डिजिटल कंटेंट कंटेंट की बात करें मतलब डिजिटल कंटेंट डिजिटल कंटेंट यानी कि आपके पास जितना भी रिसोर्सेज है सब कुछ चाहे वो कैसा होगा देखिए डिजिटल कंटेंट तीन रूप में होता है पहला आता आपका, text, है आपका दैट इज नोन एज टेक्स्ट सेकेंड नंबर पर आता है ग्राफिक्स और थर्ड नंबर पर आता है मल्टी मीडिया दैट इज नोन एज मल्टी मीडिया और मल्टी मीडिया के अंदर दो चीजें होती है मल्टी मीडिया में होता है एक होता है आपका ऑडियो दूसरा तो आपका इट्स वीडियो जिसको एवी कहते हैं

जब भी आपके सामने सी एम एस कहा जाए तो मेरा उद्देश्य ये है कि आपको एग्जैक्टली पता हो कि सी एम एस की क्या बात कही जा रही है सी एम एस है क्या आज के इस दौर में हमारे पास लाइब्रेरी की बात करें या हम किसी कॉरपोरेट की बात करें किसी ऑफिस की बात करें किसी इंस्टीट्यूशन की बात करें आज हमारी जो एसेट्स हैं उस सारी के सारे एसेट्स जो हैं वो डिजिटल रूप में कन्वर्ट होती जा रही है फॉर एग्ज़ाम्पल आज इंडियन गवर्नमेंट मैं जो यू है आपका जिसको हम लोग यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कहते हैं तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के पास जो है जितने भी लोग जो रिसर्च कर रहे हैं रिसर्च के क्षेत्र में काम करती university Grant Commission का है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का परम उद्देश्य ये कि ना यूनिवर्सिटीज़ को कलब्रिज करना यूनिवर्सिटीज़ के साथ पॉलिसीज डिस्कस करना और प्लस यूनिवर्सिटीज़ का एस्टेब्लिश केवल इसलिए है रिसर्च के लिए तो यूनिवर्सिटीज़ का मेन प्रोग्राम क्या है तो यूनिवर्सिटी का मेन प्रोग्राम जो है वो रिसर्च है मैं ये बात आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि आपको अगर मान लीजिए बैचलर्स डिग्री करनी है यू गो टू द कॉलेज आपको मास्टर्स डिग्री करनी है आप कॉलेज जाते हैं लेकिन आप पीएचडी करने के लिए आप कभी कॉलेज नहीं जाते हैं आप किसी कॉलेज से नहीं करते आप जब भी कोई बच्चा पीएचडी करता है तो वो कहता है कि सर मैं फला यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ नॉट इवन द कॉलेज क्योंकि कॉलेज से पीएचडी नहीं होगा आपको पीएचडी करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा यानी कि शोध के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा तो शोध के लिए आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी विश्वविद्यालय की ओर आपको अग्रसर होना पड़ेगा यूनिवर्सिटीज़ का मेन काम ही आपका रिसर्च है ये बात छोटी छोटी बातें इसको अगर आप सिक्वेंशली समझेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली सीएमएस का मतलब आपको समझ में आएगा तो यूनिवर्सिटीज हम लोग जाते हैं यूनिवर्सिटी में हम लोग रिसर्च करते हैं और रिसर्च करने के बाद जितना भी क्योंकि रिसर्च जो तो है सबसे इंपॉर्टेंट एसेट्स ही हमारी क्या है रिसर्च है आज अगर शोध है तो शोध से डेवलपमेंट है और डेवलपमेंट से हम सभी लोगों का लाइफ स्टाइल चेंज है सभी कुछ ना तो अल्टीमेटली विकास से तो सब कुछ है हम कहते हैं ना डेवलपमेंट तो आज अगर मान लीजिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर इतना अच्छा डेवलपमेंट नहीं होता तो शायद आप और हम बैठकर जो है इस तरीके से आज ऑनलाइन बात नहीं कर रहे होते या इस तरीके से लाइव सेशन जो है आपके सामने नहीं चल रहा होता आप मुझे सुन नहीं रहे होते आपके कमेंट्स मेरे पास नहीं आते मैं आपके कमेंट्स को देख जो है आपको जवाब नहीं दे पाता तो आई थिंक ये सब किसकी देन है तो टेक्नोलॉजी की देन है तकनीक की देन है तो ये तकनीक क्यों बनी क्योंकि हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के अंदर जो है रिसर्च को बढ़ावा दिया तो आज भी हम अलग अलग क्षेत्रों में यानी कि जितने भी सब्जेक्ट है आप लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट ना हम लोग बात करते हैं यूनिवर्स ऑफ नॉलेज की बात करते हैं यू आ के बात करते हैं तो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज में विभिन्न प्रकार के विषय हैं और विभिन्न प्रकार के विषयों में तभी नवीनता आ सकती है जब विषय के अंदर शोध होगा तो यूनिवर्सिटीज जो है शोध को बढ़ावा दे रही है अब आज जितनी भी शोध हो रही है रिसर्च तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो रिसर्च चल रही है या हो रही है इसके बारे में दूसरे लोगों को भी पता चले और वो उसको पढ़ें और बेहतर तरीके से और आगे से आगे हम लोग बढ़ते हैं जैसे मान लीजिए शोध गंगा शोध गंगोत्री ई शोध सिंधु है ना शोध शुद्धि ये सब यू के प्रोग्राम्स हैं जिसको इन्फिलेट सेंटर संभालता है तो इन्फिलनेट सेंटर क्या कर रहा है तो इन्फिलेट सेंटर जितनी भी शोध हो रही है उन सारी शोध की जो है सॉफ्ट कॉपीज जो है यानी कि डिजिटल कंटेंट जो है वो प्रिजर्व कर रहा है किसमें कर रहा है तो डेटाबेस में कर रहा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कंप्यूटर के अंदर वो सिस्टम है जहां पर कंप्यूटर के अंदर समस्त डिजिटल कंटेंट को अरेंज किया जाता है हम लोग उसको स्टोर कर सकते हैं हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं। लेकिन उस सारे कंटेंट को एक जगह पर रखना उसका सार संभाल करना जब कभी आवश्यकता हो उसे ढूंढना उसके अंदर किसी प्रकार का परिवर्तन करना तो आज सारा का सारा कंटेंट आज जितनी भी शोध हो रही है भारत के विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालय में आप शोध गंगा के बारे में आपने पढ़ा मैंने की क्लास भी आपके लिए मैंने आपको बताई भी है तो एक्चुअल में आप इस चीज को समझने की कोशिश करें कि भारत के अंदर जितनी भी शोध हो रही है हमने समस्त शोध का सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट हमने एक डेटाबेस के अंदर प्रिजर्व कर दिया एंड दैट डेटाबेस इज नोन एज शोध गंगा लेकिन उस शोध गंगा को मैनेज किया जा रहा है शोध गंगा कंटेंट के अंदर वो डेटाबेस तो है सिंपली लेकिन डेटाबेस के बाद भी हमें एक सी एम एस यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर की, की आवश्यकता होती है जिसके जरिए जो है हम सारे कंटेंट को है जो प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हैं अगर आपको किसी कीवर्ड के ऊपर कोई जानकारी चाहिए तो आप सी एम एस के जरिए आप ढूंढ सकते हैं आप पता लगा सकते हैं कौन सी चीज़ कहाँ पर जैसे आज पूरी दुनिया के अंदर इतना सारा कंटेंट है हज़ारों चीज़ें हैं डेटाबेस के अंदर सेव है लेकिन आपको जब कोई चीज़ ढूंढनी होती है तो आपको गूगल याद आता है है ना आप गूगल पे जाते हैं कीवर्ड लिखते हैं वहां पर और एंटर करते हैं अब वो गूगल के हेडे है वो कहां से ढूंढ के ला रहा है लेकिन आप ये मैनेजमेंट सिस्टम है इसलिए आज आपको कंटेंट इजीली मिल पा रहा है उसी प्रकार से जो हमारी डेटा बेसिस हैं जिसके अंदर हम लोग सारी चीजों को प्रिजर्व कर देते हैं तो उसके लिए भी हमें एक सी यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की, की आवश्यकता होती है और उस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए हम अपने कंटेंट को अच्छे और बेहतर तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं आप सभी इंफॉर्मेशन साइंस के स्टूडेंट हैं आप लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के स्टूडेंट है आपको फ्यूचर में ये सारे काम करने हैं आपको इंफॉर्मेशन को मैनेज करना है आपको इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है आपको इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करना है आपको समय के साथ इंफॉर्मेशन को अपडेट करना है जब कभी आवश्यकता हो इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करना है जब कभी आप चाहें तो इंफॉर्मेशन को आप मॉडिफाई कर सकते हैं तो ये सारे काम आपको करने हैं तो इन सारे कामों के लिए आपको जो है इन्फॉर्मेशन जो भी है हमारे पास आज डिजिटल फॉर्मेट में है यानी कि कुल मिला के कंटेंट के रूप में हमारे पास है तो ऐसे कंटेंट को मैनेज करना दैट इज नॉट एज सीएमएस तो मैं उम्मीद करता हूं खाली आपको डेफिनेशन समझ में आई तो मेरा उद्देश्य है हालांकि आधे एक घंटे की क्लास के अंदर जो है मैं कंप्लीट सी आपको नहीं पढ़ा सकता इट्स नॉट पॉसिबल लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन का एक महत्वपूर्ण भाग है जहाँ पर हम लोग द्रुपाल की बात करते हैं हम लोग वर्ड की बात करते हैं हम लोग जूमला की बात करते हैं ऐसे कई सारे और भी आपके कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट का अलग कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है आई का अलग कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम लेकिन मैं क्लास में उन्हीं की बात कर रहा हूं जो कि फ्री एंड ओपन है जो कि आपको इजीली अवेलेबल है आप घर बैठे या आप अपनी लाइब्रेरी के अंदर भी आप चाहे तो फ्यूचर में इनके ज़रिए जो है आप अपने कंटेंट को जो इजीली आप मैनेज कर सकते हैं जी बिल्कुल बात आपको समझ में आई या नहीं है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा मुझे आप कि जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आई या नहीं है अगर आपको बात समझ में आई है तो हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं और मैं आपको आज की जो क्लास है यहाँ से प्रारंभ करते हैं इट इज़ नोन ए सी एम यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम तो आई थिंक इट्स ईजी ये हमारा आज का टॉपिक है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि सीएमएस की बात करते हैं समय को बचाता है यानी कि टाइम का सेविंग करता है आपका जी वेरी गुड थैंक यू वेरी गुड शुक्रिया बहुत बहुत तो आई थिंक इट्स इज़ी और ये चीज़ें आपके लिए आपके लिए जानना जरूरी मेरा उद्देश्य ये रहता है देखिए टॉपिक तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इट्स नॉट पॉसिबल जी वेरी गुड वेरी गुड बिल्कुल गुरवाजी कह रहे हैं सर इसी वजह से एग्जाम में सवाल का देखिए ये बात बिल्कुल तय है और मैंने पिछली कई क्लासेस में आपसे कहा भी है क्योंकि हो क्या रहा है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर देखिए नेट किसी भी सब्जेक्ट का हो यूजीसी जी नेट की मैं स्पेशली यूजीसी नेट की बात आपसे करूंगा यूजीसी नेट के अंदर कोई भी सब्जेक्ट हो हमारा सब्जेक्ट जो है इस सब्जेक्ट के अंदर तो बहुत नवीनता है नवीनता इसलिए कि देखिए आज आपको पता होना चाहिए क्योंकि नेट का एग्जाम होता है एवरी सिक्स मंथ्स आपका नेट का एग्जाम होता है और छः महीने के अंदर जो है आपकी आप ये मान के चलें कि दुनिया बदल जाती है दुनिया बदलती है इन द सेंस अगर, अगर आप जाएँ चीज़ों को आप अपडेटेड मोड के अंदर लेके जाए जैसे आपने सपोज मान लीजिए मैंने सिलेबस पढ़ लिया किसी को लगता है कि यार मेरा नेट का एग्जाम नहीं हो रहा मेरा नेट का एग्जाम क्लियर ये सभी मैं एक सही बात बता रहा हूँ आप आप में से कई लोग होंगे इस बात को शायद एग्री करेंगे और ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि जिनको लगता है कि नहीं ये इन कैन प्रकरण जो है नेट तो क्लियर करना ही है तो मन में ठान लिया तो दैट्स अ पॉजिटिव थिंग मुझे लगता है कि अच्छी बात है आपने ठान लिया तो जब तक ठानेंगे नहीं तो चीज़ें होंगी भी नहीं लेकिन मन में ठान लिया ठानने के बाद भी आपको एक सही मार्गदर्शन की आवश्यकता उसके अंदर रहती है ना अगर सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे आपको लगता है नहीं नेट का सिलेबस ये है दस यूनिट है मैंने पिछली बार पाँच छः यूनिट पढ़ ली थी एक दो यूनिट रह गई थी मैं इस बार वो एक दो यूनिट जो बची हुई मैं आप वो भी कर लेता हूँ तो मेरे साथ मेरे साथ शायद आप सिलेबस पूरा हो जाएगा मैं कर लूँगा आप सिलेबस पूरा कर लेते हैं उन्हीं चीज़ों को पढ़ते हैं उन्हीं नोट्स को पढ़ते हैं उन्हीं कंटेंट को सारी चीजों को पढ़ते हैं आप एग्जाम देने जाते हैं लेकिन एग्जाम का लेवल एवरी सिक्स मंथ्स जो है एग्जाम का लेवल जो है, है अपग्रेड होता जा रहा है लेकिन आपकी तैयारी मई तक है आप एग्जाम देंगे आपको लगेगा हाँ इस बार दो नंबर से रह गया था कोई बात नहीं अगली बार तो मैं वापस पढ़ने की क्या जरूरत है थोड़ा बहुत रिवाइज कर लूंगा एक आधी यूनिट थोड़ी से ज्यादा देख लूंगा कुछ क्वेश्चन कर लूंगा तो मेरा दो नंबर वाली बात क्लियर हो जाएगी अगली बार एग्जाम दिया बच्चों को मालूम चला कि पिछली बार तो दो नंबर से रहता है इस बार तो छः नंबर से रह गया फिर आठ नंबर से रह गया फिर वापस दो नंबर से रह गया ऐसे कई लोगों में आप में से मल्टीपल आपने दिए होंगे वो दो चार दो चार नंबर से आप रहना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी तैयारी में थोड़ी सी कमी थी इसका मतलब ये नहीं है इसका मतलब ये है कि आप उसी कंटेंट को लेकर चल रहे हैं आपने आपने आपको अपग्रेड किया आपने क्या नया पढ़ा दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप जब तक अपडेटेड चीजें अगर आप नहीं पढ़ेंगे होता ना जैसे रिकॉर्डेड वीडियोज देखकर मैं मुझे लगता है कि हाँ बस यही है और ये देख लिया मैंने काम हो गया ऐसा नहीं होगा आप वहीं रहेंगे और आप 10 साल तक भी अगर आप नेट का एग्जाम देंगे तो वो दो चार दो चार नंबर पांच नंबर का गैप जो है आपका हमेशा रहेगा अपने आप को जब तक आप अपग्रेड नहीं करेंगे समय के साथ तो आप जो है क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे आप समझे मेरी बात को और फिर करना भी क्या अगर आपने एक बार बहुत अच्छे से मेहनत कर ली आपने तो क्या एक बार क्वालिफाई हो गया दैट्स इट है ना लाइफ में बार बार आपको एनटीए नेट देना भी नहीं है लेकिन ऐसी कई सारी चीजें हम लोग क्लास के अंदर जब डिस्कशन करते हैं तो अभी देखिए नया बैच स्टार्ट कर रहा हूं दैट इज फ्रॉम द सेवनटींथ और यूजीसी नेट का और वो दैट विल बी दिसंबर 2023 का हम लोग बैच लेकर चल रहे हैं तो वहां पर यही सब चीजें कि मैं समय के साथ अपडेटेड चीजों के ऊपर बात करता हूं और जब तक अपडेटेड आप नहीं रहेंगे तो वहां पर एग्जाम क्लियर करने में जो है वो दिक्कत आती है ठीक है चलिए खैर आज की बात क्लास को जहां पर कंटिन्यू करते हैं बहुत सारी बातेंगी सो दिस इज सीएमएस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के देखिए सबसे पहली डेफिनेशन जो है कंटेंट क्या है मैं आपको बता रहा हूँ सो दिस इज इंपॉर्टेंट लिखा हुआ इट इज कंटेंट इज ए डिजिटल इंफॉर्मेशन कंटेंट क्या है तो so, डिजिटल इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस थ्रू द एडिटोरियल प्रोसेस यानी कि हमने जिसको एडिट करते हुए हमने प्रोसेस से उसको बनाया तैयार किया और हमारा उद्देश्य यानी कि इंटेंट क्या फॉर द ह्यूमन कंज्शन यानी कि मानव उसका उपयोग करे वाया पब्लिकेशन डिजिटल कंटेंट जो है वो टेक्स्ट हो सकता है वो इमेज हो सकता है वो ग्राफिक्स हो सकता है वो आपका वीडियो हो सकता है साउंड हो सकता है या किसी प्रकार का आपका डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स हो सकता है डिजिटल कंटेंट कैन बी इट इज़ लाइकली टू बी स्टोर्ड एंड द मैनेज इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट यानी कि हर वो चीज़ जिससे कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के अंदर हम स्टोर कर पाते हैं तो डेफिनेटली जो है दिट इज नॉन एट द डिजिटल कंटेंट मैंने आपको हिंदी में भी लिखा है आपकी आवश्यकता अनुसार आपने डिमांड कर दी सर बाइलिंग चीज़ें चाहिए चीज़े। तो मैंने कंप्लीट हमारे सारे कोर्सेज को जो है मैंने बाइलिंगल कर दिया अभी आपके लिए आप देख सकते हैं सामग्री संपादी की प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादित डिजिटल जानकारी है और अतः प्रकाशन के माध्यम से मानव उपभोग के लिए अभिप्रेरित है यह पाठ्य चित्र ग्राफिक्स वीडियो ध्वनि दस्तावेज कुछ भी हो सकता है और डिजिटल सामग्री कुछ भी हो सकती है जिसे इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में संग्रहित या प्रतिबंधित किए जाने की संभावना सो दैट इज नोन एज द डिजिटल कंटेंट यहाँ शायद मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ ये बात जो है आपको यहाँ पर समझ में आएगी कि डिजिटल कंटेंट बेसिकली है क्या नाउ ड अगेन एन इंपॉर्टेंट थिंग कि डिजिटल कंटेंट की बात में आपसे यहाँ पर ये बात समझ में आती है आपको देखिए व्हाट इज कंटेंट तो कंटेंट देखिए इनके जरिए जो दिख रहा है ना आपको तो दीज आर द थिंग्स जिनके जरिए हम लोग कंटेंट जो है क्रिएट करते हैं अब ये आपके कई सारे सॉफ्टवेयर हैं काम करते हैं ना आप कंप्यूटर पे काम करते हैं आप कभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते हैं कभी एक्सेल में काम करते हैं कभी पावर पॉइंट में काम करते हैं कभी आप ना एडोप रीडर में काम करते हैं फोटोशॉप में काम करते हैं कॉरिडोर में काम करते हैं ना किसी मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में काम कर दीजिए ये लिस्ट आपकी देखें बहुत सारी चीज़ें आप देखा ना आपको एडोप है आपका है ना नाइट्रो है आपका देन पी आपका देखा देन लेब्रे ऑफिस देखा ये सब ये दीज आर दफ्ट इनके जरिए आप कई सारा डिजिटल कंटेंट जो है आज क्रिएट कर रहे हैं लेकिन उस कंटेंट को डेटाबेस के रूप में सेव करना उसको सर्वर पर डालना उसको प्रिजर्व करना जब कभी आवश्यकता हो उन्हें प्राप्त करना और इन सब के लिए जो है हमें जिस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है उसे हम लोग सी एम एस कहते हैं यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं सो दिस इज सिंपली ये सब कुछ जो है इनके जरिए हम लोग कंटेंट तैयार करते हैं नाउ देखिए व्हाट इज़ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम पहली बात तो हो गई कंटेंट क्या है अब मैं आपसे बात करूँ कि व्हाट इज़ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो क्या है तो दिस इज़ व्हाट इज़ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि जिसको हम लोग शॉर्ट में सी कहते हैं इट इज़ सी लिखा हुआ इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए जो मैं आपको की दिखा रहा हूँ अगर आपसे पूछा कि सी क्या है तो सी एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दैट प्रोवाइड ई ईजी ऑटोमेशन एन्वायरमेंट जो कि आपको एक ऐसा एनवायरमेंट देता है टू मैनेज डिजिटल कंटेंट जिसमें टैक्स इमेज म्यूजिक डॉक्यूमेंट ये सब है इनको मैनेज करने के लिए आपको यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके जरिए जो है हम लोग यहाँ पर ही यह काम कर सकते हैं तो इट्स आई थिंक इट्स सिंपल इसको कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं सी एम एस अलाउज एडिटर यानी कि सी एम एस अलाउ करता है अगर आपको कोई नया कंटेंट बनाना हो तब भी आप बना सकते हैं अगर पहले से बना हुआ है एग्जिस्टिंग कंटेंट आप उसको एडिट कर सकते हैं आप उसको क्या कर सकते हैं परफॉर्म कर सकते हैं एडिटोरियल प्रोसेस कर सकते हैं और अल्टीमेटली मेक दैट कंटेंट अदर पीपल टू कंज्यूम यानी कि आप ऐसा कर सकते हैं ताकि लोग उस कंटेंट को जो है काम में ले सकें है ना उस कंटेंट को आप तो इट इज नॉर्मली सर्वर बेस्ड यानी सर्वर बेस्ड होता है मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर जिसको एक समय में कई सारे लोग काम में ले सकते हैं और बेसिकली कंटेंट इज स्टोर्ड इन द रिपोजिटरी रिपोजिटरी समझते हैं आप रिपोजिटरी मैंने आपको पहले बताया दैट इज नो आई आर इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी तो आईअर का मतलब होता है रिपोजिटरी मतलब एक ऐसे डेटाबेस जिसके अंदर जो है आप चीज़ों को संग्रहित करके रखते हैं दिस रिपोजिटरी माइंड भी लोकेटेड ऑन द सेम सर्वर अगर आप चाहें तो वहीं पर भी हो सकती है या आप जो है किसी रिमोट सर्वर पर भी हो सकते हैं दिस इज़ नोन एज सी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम मैंने हिंदी में भी लिखा आपके लिए ताकि आप पढ़ सकते हैं देखिए हमने सारी चीज़ों को यानी कि जितना भी कंटेंट है आपने के मैं अगर अपनी बात करूँ या दिस प्लेटफॉर्म की बात करूँ मैं टारगेट अभी की बात करूँ तो यहाँ पर हमने जितने भी कोर्सेज हैं हमारे चाहे मैं राजस्थान लाइब्रेरी का कोर्स है आपका या यू जी सी नेट का है हम यहाँ पर ई का बैच भी चलता है सारी चीज़ें तो यू जी सबसे पहले मैंने यू जी नेट के कंटेंट को मैंने बाई किया आपके लिए मैंने 100 परसेंट कंटेंट यानी कि जितनी भी 10 यूनिट है 100 यूनिट का जो सारा का सारा कंटेंट है मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में कन्वर्ट कर दिया मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आ, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी उसको समझे लेकिन मेरा उद्देश्य ये कि आप कई बार क्या होता है कि हम चाहे इंग्लिश मीडियम से हैं लेकिन बातों को हिंदी में भी क्योंकि मातृभाषा हिंदी है और हिंदी जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये हिंदी लैंग्वेज है आपकी है ना तो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज से कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन मैं चाहता हूँ कि ईजीएसट मोड के अंदर जो है आप उसको आपको चीज़ें समझ में आए बहुत सारे बच्चे नेट के अंदर कहते हैं सर मैं तो हिंदी मीडियम लेना चाहता हूं तो मैं उसे कहता हूं हिंदी मीडियम में मैं आपको कंटेंट सारा हिंदी में दे दूंगा लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब बच्चे को खुद लगने शुरू होता है कि हाँ सर हिंदी मीडियम है लेकिन टर्म्स जो है हिंदी में बहुत सारे टिपिकल है और मैं उसे कहता भी वो थोड़ा सा इंग्लिश के अंदर अपने आपको अपग्रेड करें आप नेट का एग्जाम देने गए होंगे आज दिन तक आपने कई सारे एग्जाम दिए होंगे ऑनलाइन एग्जाम देते हैं आप जहाँ पर आपको कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पर आपने एक चीज़ फील करी होगी और दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपके सामने इंग्लिश और हिंदी दोनों चीज़ें लिखी होती है तो आप कोशिश करते हैं कि आप हिंदी का पेपर पढ़ के आप हिंदी वाला आंसर दें लेकिन थोड़े दो चार पाँच क्वेश्चन बाद आपको जरूरत लगती है कि आप उसको इंग्लिश में देखें क्योंकि हमारी आदत है वो चीज़ें हमने इंग्लिश में बहुत अच्छे तरीके से देखी है सुनी है। तो आप इंग्लिश मीडियम वाले और कई बार ये बताया उसमें लिखा भी होता है कि किसी प्रकार के डाउट के केस में क्या होगा कि इंग्लिश वाला कंटेंट ही जो है या इंग्लिश वाला सवाल ही जो है सही माना जाएगा तो हिंदी में या किसी अन्य भाषा में जो है क्योंकि कोई भी हिंदी नहीं कर रहा वहां पर ये सब कुछ आज सॉफ्टवेयर के बेसिस पर हो रहा है पेपर ओरिजिनल इंग्लिश में बनता है आंसर की आपकी इंग्लिश में बनती है सब कुछ कंटेंट इंग्लिश में बनता है लेकिन गूगल ट्रांसलेटर लगा के हम लोग सॉफ्टवेयर के अंदर किसी को हिंदी कर दिया मराठी कर दिया है ना मलयालम कर दिया तमिल कर दिया तो सारी भाषाओं में वो कन्वर्जन जो है वो गूगल के कन्वर्टर से हो रहा है तो आपको सही मायने में अगर देखें तो ना तो फ्लुएंसी बनती है और न भाषा का कई बार अर्थ का अनर्थ भी होता है तो खैर आप अगर इंग्लिश के अंदर या चीजों को टर्म्स को लेकर चलेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है यहाँ पर फिलहाल मैंने आपको दिखाया यहाँ पर इसको समझेंगे मैंने आपको लिए हिंदी में भी लिखा है ये केवल आपके समझने के लिए सामग्री प्रबंधन प्रणाली देखिए आप कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को हिंदी में क्या करें तो हिंदी में हम लोग कह रहे हैं सामग्री प्रबंधन प्रणाली अगर ये लिखा होगा तो देखिए यहाँ पर ये दिक्कत आती CMS, है सी एम एस लिखा हुआ सॉफ्टवेयर है पर ठीक है ये एप्लीकेशन जो कि आपके डिजिटल सामग्री डेटा जैसे पाठ्य चित्र संगीत दस्तावेज आदि का प्रबंधन करने के लिए आसान स्वचालन वातावरण जो है वो प्रदान करता है जी बिल्कुल गुरुआजी कह रहे हैं सर कल हिंदी में तो लाइब्रेरी सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा था इतनी ज्यादा टफ लैंग्वेज थी कि हिंदी लैंग्वेज जी बिल्कुल ये होता है मैं ये बातें कई बार कह चुका हूँ बच्चों से लेकिन कुछ जो बच्चे स्टूडेंट मान लेते हैं ये बात उनको समझ में आती है और जो नहीं मानते हैं तो वो खैर कहते ना वो हादसा जरूरी है बातों को समझने के लिए एक सी संपादकों को नई सामग्री बनाने मौजूदा सामग्री को सामग्री को संपादित करने के लिए और संपादकीय प्रक्रियाओं को करने के लिए अर्थात उसी सामग्री को अन्य लोगों या उपभोक्ता करने के लिए उपलब्ध कराने की अनुमति देता है सीएमएस आमतौर पर सर्वर आधारित होता है बहु उपयोगी करता है यानी कि मल्टी यूजर कर सकते हैं सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम लोग काम कर सकते हैं सो आई थिंक जी टू सिस्टर्स बैच कब से स्टार्ट होगा बैच जो है आपका इट इज स्टार्ट फ्रॉम द सेवनटीन्थ यानी कि सत्रह तारीख से आपका बैच जो है आपका स्टार्ट सो दिस इज़ मैंने आपको बता दिया हिंदी में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा सारी चीज़ें नाउ वॉट आर द बेनिफिट्स हैं Now, है? आपका देखिए टाइप्स ऑफ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम ये हम लोग बात करेंगे तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है चार तरह के हैं मैं एक ही करके चारों की बात करूँ सबसे पहला इट्स वॉट वेब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं डब्ल्यू सी एम एक ही करके सभी की बात करेंगे वेब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब क्या है कि द मैनेजमेंट ऑफ द कंटेंट प्राइमरी इंटरनेट फॉर द मास डिलीवरी वाई द वेबसाइट यानी कि वेब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम वो है जिसके जरिए यानी कि मोस्टली आज मैक्सिमम डिजिटल कंटेंट जो है वो वेबसाइट के जरिए जो है वो पब्लिश किया जा रहा है और वेब की दुनिया है आप जानते हैं इतनी बड़ी दुनिया जिसका पूरा जंजाल है जिसको हम लोग डब्ल्यू 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 या वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं तो इतनी बड़ी दुनिया है उसके अंदर आपका मोस्टली आपका डिजिटल कंटेंट है आपका और वेब के ज़रिए जो कंटेंट हम लोग मैनेज कर रहे हैं दैट इज़ वन वेब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं डब्ल्यू सी एम उसको कहते हैं तो पहली चीज़ तो यहाँ पर ये है आपकी सेकंड देखिए आपको नंबर दो पे लिखा हुआ यहाँ पर एंटरप्राइज एंटरप्राइजेस यानी कि ई कहते हैं एंटरप्राइज का मतलब क्या जितना भी बिज़नेस है ना जो आज देखते हैं आप ई e कॉमर्स का बिजनेस है या किसी और सेगमेंट की हम लोग बात करें तो ये अपने खुद के डेटा को जो है प्रिजर्व करे वे आपको क्या कहेगा इट इज़ वन एज एंटरप्राइज तो एंटरप्राइज कंटेंट तो मैनेजमेंट सिस्टम ये पार्ट टाइप से अलग है पहला वेब है सेकंड आपका एंटरप्राइज यहाँ पर आपको ये पढ़ने को मिलेगा आप इजी देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ द जनरल बिजनेस कंटेंट यानी कि जिसके जरिए हम लोग क्या करें बिजनेस कंटेंट को जो है हम लोग नेसेसरी इंटरनेट फॉर द मास डिलीवरी कंजप्शन के लिए हम लोग काम करते हैं इसको हम लोग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट कहते हैं तीसरा जो आपका वो डिजिटली एसेट मैनेजमेंट सिस्टम है यानी कि लोगों के पास या जिन संस्थाओं के पास डिजिटली एसेट्स हैं तो वो मैनेज कर रहे यानी कि रिच डिजिटल एसेट्स हैं दैट इज़ इमेजेस हैं उनके पास या ऑडियोज़ हैं या वीडियोज़ फॉर द यूजर्स इन द अदर मीडिया तो दैट इज डिजिटल एसेटमेंट तो आपका यूट्यूब जो कर रहा है वो यूट्यूब क्या कर रहा है आपका डिजिटली ए, एसेट्स को मैनेज कर रहा है ये यूट्यूब का एक्जाम्पल है जो कर रहा है और दैन चौथे नंबर पर आता है रिकॉर्ड मैनेजमेंट जिसको हम लोग आर एम कहते हैं रिकॉर्ड मैनेजमेंट ये होता है कि जो इंस्टीट्यूशन जो हैं वो अपने जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं तो ट्रांजेक्शन जैसे जो बैंकिंग के अंदर हो रहा है तो बैंकिंग के अंदर क्या हो रहा है ट्रांजेक्शन यानी कि सेल्स रिकॉर्ड्स हैं आपके है ना मैंने एसेट्स रिकॉर्ड्स हैं आपके या कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आपके इन सब चीज़ों को प्रिजर्व करके रख सर सो दैट इज द थिंग ओके सो आदर्श जी सर वन सेवेंटी मार्क्स ऑ कैटेगरी सर आदर्श जी मैंने आपको जवाब दिया आप बार बार एक ही चीज़ को आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं सो प्लीज़ डोंट डू दिस मैंने आपसे कहा कि वन uh, सेवेंटी एक अच्छा स्कोर है लेकिन फिर भी आप मार्जिन पे हैं मे बी पॉसिबल ईश्वर से दुआ करेंगे जो आपका जो है आपका इस बार ओबीसी कैटेगरी के अंदर आपका जो है नेट क्लियर हो जाए ठीक है जी बिल्कुल सो आई थिंक इट्स क्लियर तो यहाँ पर देखिए मैं केवल आपको ये समझाने के लिए कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के टाइप्स कौन कौन से हैं सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट वेब सामग्री प्रबंधन है एंटरप्राइजेस कंटेंट मैनेजमेंट है डिजिटल एसेज मैनेजमेंट है और ये सब कुछ जो है आपका इट्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पर अब जो महत्वपूर्ण तो है आपका मैं वो आपको बताना चाहूँगा इसके अंदर कई सारी चीज़ें हैं और एग्जाम्पल्स के जरिए हम लोग बात करेंगे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको सो दिस एग्ज़ाम्पल आप इजीली देख पाएंगे जी मैं सॉफ्टवेयर्स आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं यहाँ जिसके जरिए आप काम कर सकते सो दिस इज़ एक लिस्ट है आपकी देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है जो हमारे लिए क्लास में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है

पब्लिक लाइसेंसिंग के अंतर्गत जो है आपको फ्रीली अवेलेबल आप कोई भी व्यक्ति उसे डाउनलोड कर सकता है और काम में तो तो सबसे एक नंबर पे तो द मोस्ट एक नंबर कौन सा आपका इट इज वर्ल्ड प्रेस सेकेंड नंबर पर आपका जुमला जिसकी मैंने आपसे बात करी तीसरे नंबर पर द्रुपाल ये तीन आपके स्टार्स है आप ये मान के चले ना तो तीनों आपके बहुत ही महत्व ओपन सोर्स के अंदर आज पूरी दुनिया के अंदर जो है ये ओपन सोर्स के अंदर ये तीनों सॉफ्टवेयर्स ने जो है तहलका मचा रखा है और ये सबसे ज़्यादा काम में लिए जाते हैं आप देख सकते हैं इजिली देन इसके बाद टाइपो थ्री ये भी आपको ओपन सोर्स है कंसन सॉरी कंक्रीट है आपका है ना और डिजेंगो है आपका ओपन सी एम है आपका और ओपन डब्ल्यू जी ये भी आपके सॉफ्टवेयर है इनको भी जो है आप काम में सकते हैं लेकिन ये जो तीन जो है ये आपके इंपॉर्टेंट है स्टार्स है आपके सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट इनकी बात करते हैं ऐसे ही आपके प्रॉपर्टी है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट का भी खुद का सी एम एस है शेयर पॉइंट है आई बी एम ने खुद का बना रखा है प्लस सी एम एस है साइट कोर है आपका देन शॉपिफाई है और आपका कैंटिको अब देखिए यहाँ पर इन सब मैं ये चाहता हूँ आपसे कि आप एट आप इन सब के बारे में जो है आप कम से कम जो है आप ये ज़रूर देखें और इनके नाम और ये जो लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लेकिन इन सब के बारे में कम से कम एक एक बार गूगल पे आप सर्च जरूर कीजिएगा ये सी एम एस है कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है कुछ आपके ओपन सोर्स है कुछ प्रोप्राइटरी तो आमतौर पर पे, प्रोप्राइटरी पर सवाल नहीं आता है ना लेकिन जो ओपन सोर्स है उस पर सवाल आता है ओपन सोर्स में भी तीन इंपॉर्टेंट है आपके ना तो आपका एक तो वर्ड प्रेस है आपका द्रुपाल और जुमला इन तीनों पर आज दिन तक कई बार सवाल मैं इन तीनों की कंपेटेटिव स्टडी आपको दिखा रहा हूँ इनमें से भी सबसे ज्यादा जो कि वर्ल्ड प्रेस है वर्ल्ड प्रेस किंग है है ना मार्केट का किंग है है ना इस इंडस्ट्री का जहाँ पर जिसके जरिए आप इजीली घर बैठ के आधे घंटे में आप वर्ल्ड प्रेस यूज करके आप अपनी कंटेंट में आप वेबसाइट बना सकते हैं ईजिली ना लेकिन उसके लिए आपको सर्वर होस्टिंग चाहिए होता है दैट इज चार्जेबल लेकिन वेबसाइट डिजाइनिंग जो है वो कम्प्लीटली फ्री है आपका मेकिंग जो है आपको बनाना है वो कम्प्लीटली फ्री आप बना सकते हैं तो आज बहुत सारे लोग पूरी दुनिया वर्ल्ड प्रेस सीख सीख कर जो है वेबसाइट्स बनाती हैं उसके अंदर कई सारी ऑलरेडी बनी बनी थीम्स अवेलेबल है उन थीम्स में हम किसी को भी काम में लेकर जो है चीज़ें तैयार तो जी बिल्कुल तो देखिए कुछ आपके जो सवाल थे मैं उन सवालों के जरिए मैं आपको यहाँ पर जवाब देना चाहूँगा एक बात जो मैं अपनी तरफ से आपके लिए कहना चाहूँगा वो इट इज़ नेट का जो बैच है हम लोग सो वी हैव स्टार्टेड ए बैच और यहाँ पर बैच का इनिशिएशन जो है मैंने आपको बता दिया तो दस दिस बैच विल बी स्टार्ट फ्रॉम सेवनटीन ऑफ जुलाई सत्रह जुलाई से हमारा नया बैच स्टार्ट हो जाएगा इट्स ए न्यू बैच न्यू एंड फ्रेश बैच ये आपका हम लोग टारगेट कर रहे हैं अभी दैट इज़ नॉट दिसंबर दो हज़ार तेईस दिसंबर दो हज़ार तेईस को हम लोग टारगेट कर रहे हैं कंप्लीट प्लान है यहाँ पर एंड दिस प्लान इज अवेलेबल ऑलरेडी फोर्टीन थाउजेंड फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट के अंदर जो है यहाँ पर आपको ये कोर्स आपको अवेलेबल है लेकिन अगर आप चाहें अगर इस कोर्स के अंदर या इस बैच के अंदर आप एनरोल कराना चाहते हैं तो आपको एक टेन परसेंट का एडिशनल डिस्काउंट मिल सकता है आपको डी आर है ना ए एल आई ये आपका कूपन कोड है इट्स इस कूपन कोड को लगाकर आप जो है एडिशनल टेन परसेंट डिस्काउंट आप और ले सकते हैं इस कोर्स के अंदर एंड दिस बैच विल स्टार्ट फ्रॉम सेवनटीन ऑफ जुलाई जहां पर कंप्लीटली जो है आपका ये दोनों पेपर यानी कि बौद्ध पेपर आपको यहाँ पर ये आपको मिलेगा दिस इज़ दूसरे कॉम्बो कोर्स और आप दिसंबर के लिए आप स्टार्ट करना चाहें अगर किसी ने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करा है, तो दिस इज़ एप्लीकेशन और यहाँ पर ये हमारा दिस इज़ एल आई एस टारगेट अभी दिख रहा है आपको तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है एल आई एस टारगेट अभी और ये एप्लीकेशन है हमारी टारगेट अभी नाम से है जो आपको ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर दोनों पर अवेलेबल है जो आप सकते हैं नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट कि मैं बात कर रहा करूँ आपसे इन तीनों पर एग्जाम में सवाल आता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के तीनों चीजें जी कौन कौन सी है आपका तो देखिए आपका एक वर्ड मैं आपको बताया तीनों कौन कौन से एक द्रुपाल है एक वर्ड प्रेस है और आपका क्या है जुमला ये द्रुपाल है इसका लोगो आप देख सकते हैं डी आर यू पी एल रिलीज हुआ था 2000 मई 2000 के अंदर इसको रिलीज किया गया था और देखें इज बॉयट्रिट है ना इज बॉयट्रिट द्वारा जो है इसको बनाया गया था सेकेंड आपका किंग है आपका मार्केट का दैट इज नोन एज वर्ल्ड प्रेस आपका दिस वॉज रिलीज इन मई दो और आप देखें यहां पर मैट एंड माइक लिटिल है ना मैट और माइक लिटिल ने जो इसको बनाया था और तीसरा आपका जो है दैट इज नुमला जुमला सेप्टेंबर आपका सितंबर 2005 के अंदर रिलीज हुआ और बाय दो है मेम्बो तो तीनों आपके कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है तीनों की बात करते हैं द्रुपाल वर्डप्रेस और जुमला जी इज इट ओके वेरी गुड और कोई देखिए आई डोंट नो तो द कंप्लीट पॉलिसी हैज़ बिन चेंज फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ जुलाई से फर्स्ट ऑफ जुलाई से मुझे नहीं पता आप जो है जो हेल्पलाइन नंबर दे रखा है वहाँ पर आप बात कर सकते हैं कि आपने पहले कौन सा कोर्स ले रखा है और देन इट्स ए सेपरेट बैच है ना हमने ई एम आर एस बैच स्टार्ट कर दिया आज से आज मॉर्निंग से क्लासेज उसकी स्टार्ट हो गई है ओके okay, और मैंने ग्यारह जुलाई की बात करी तो सेवनटीन से जो है हम लोग यू जी सी एन नेट जो है वो यहाँ पर स्टार्ट करने वाले सो okay, so, देखिए तीनों का एक कंपेटेटिव स्टडी करते हैं पर ये ये तो नाम आपको याद रखनी है कब कब कहाँ माना है तो अप्रॉक्सीमेट देखिए दोनों का सभी का समय एक का दो हज़ार है दो हज़ार तीन है दो हज़ार पाँच इतना ही दो दो साल का फर्क है इनके अंदर तीनों की बात करूंगा मैं कंपेटेटिव स्टडीज की बात करते हैं सबसे पहले ऑल थ्री प्लेटफॉर्म्स आर ओपन सोर्स सबसे पहली बात जितने भी हैं तीनों क्या है ओपन सोर्स है आपके ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म आपको याद रखना है क्या है तीनों ओपन सोर्स यानी कि फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग अंतर्गत और अंदर जीपीएल जीपीएल का मतलब मैंने आपको क्या होता जनरल पब्लिक लाइसेंस के अंदर आप फ्री है आप इसे काम में ले सकते हैं आप मॉडिफाई कर सकते हैं एज यू लाइक जैसा आप चाहते हैं वैसा कर सकते हैं ऑल थ्री प्लेटफॉर्म हैव डेवलप्ड एन कम्युनिटी बाय इसको बनाया गया है यानी किया गया है तीनों प्लेटफॉर्म जो है वो पी और माई एस्क्यूएल पी एच पी में होता है प्री प्रोसेस हाइपोटेक्स और माई एस्ल जो होता है ये आपका डेटा होता है जिसके अंदर आपका जो डेटा आपका यहाँ पर स्टोर होता है ओके okay, सो so, जी पिन मैसेज के अंदर दे रखा है आपको टी जी टी आपको देख रखा है आपको जहाँ पर अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहें आप तो यहाँ पर आप बैच ज्वाइन करने के लिए आप पिन मैसेज पे जा सकते हैं वहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं ये जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी ओके सो तीनों का देखिए यहाँ एक कंपटेटिव चार्ट भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये तो मैंने आपको बता दिया हिंदी में ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका और जो चीज़ बता रहा हूँ आपको देख रहे हैं ना तो ये आपको वैसे मिल जाएगा मैं सी के बारे में कंप स्टडी बता रहा हूँ देखिए पहला इसको देखेंगे इट्स वर्ल्ड प्रेस सेकेंड आपका जुमला है और तीसरा आपका ध्रुपाल है आपकी कंसेंट्रेशन यहाँ पर होनी चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ देखिए वर्ड प्रेस जो है उसने मार्केट कैप्चर कर रखा है कितना कर रखा है? So है किसके पास है आपका पहले नंबर के पास है तो सभी तीनों फ्री है ऑपर सोर्स है सात परसेंट मार्केट सेवन परसेंट ओके सेवन परसेंट मार्केट किसके पास है आपका तो so जुमला के पास है आपका और तीसरा आपका फोर पॉइंट सेवन जीरो परसेंट मार्केट किसके पास है आपका, के ना। तो देखिए तीनों की मैं, मार्केट एक बहुत जरूरी है इसको समझना क्या देखिए तीनों के पास एक के पास फिफ्टी है दूसरा जुमला के पास सेवन है और ध्रुपाल के पास जो है इतना आपको फोर है इंस्टॉलेशन आप कर सकते हैं देखिए डिजाइन और थीम्स की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर फ्री थीम्स की बात करूँ तो कितनी है साढ़े चार हज़ार लिखा हुआ फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्लस फ्री थीम्स जो है इसके पास है वर्ड प्लस के पास अवेलेबल है और प्रीमियम थीम्स के अंदर बात करें तो नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड यानी कि इतनी थीम्स हैं तो आप अल्टीमेटली अपने हिसाब से बना सकते हैं इसके पास कोई देखिए यहाँ पर डायरेक्ट नहीं यहाँ पर नाइन फिफ्टी प्लस जो है आपको प्रीमियम थीम्स यहाँ पर अवेलेबल है और यहाँ पर देखेंगे दो हज़ार थीम्स जो है इसके पास है और प्लस फोर फिफ्टी प्लस थीम्स जो है आपके पास प्रीमियम थीम्स अवेलेबल है अगर प्लगइन्स की बात करें तो प्लगइन्स का कितना है तो था, 50,000 थाउजेंड फ्री प्लगिंस यहाँ पर अवेलेबल है जबकि यहाँ पर साढ़े सात हज़ार फ्री है और यहाँ पर सैंतीस हज़ार फ्री है तो अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से और इनको जो यूज़ करने वाली कंपनीज हैं तो कंपनीज में देखें यहाँ पर कौन कौन सी तो शिकागो सन टाइम्स वॉज इंडिया और देन कैटीप्रिटी मोर ये लोग काम में ले रहे हैं जबकि डिस्कवरी मैगजीन है आपका फ्रेंच वेबसाइट है आपका इंडीज़ है ये काम में ले रहे हैं यू डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी यूनिवर्सिटी ऑफ मिन्सोटा ये लोग काम मिले सो दीज आर सी एम एस बहुत बड़ी चीज़ है आज के इस दौर में और एग्जाम में जब लाइब्रेरी ऑटोमेशन की बात करते हैं तो उसमें कम से कम जो है दो या तीन सवाल जो है आपके लाइब्रेरी ऑटोमेशन के अंदर सी एम एस से रिलेटेड जरूर पूछाते हैं प्रीवियस के पेपर्स देखेंगे आप जब भी देखेंगे तो मैं अभी थोड़े टाइम बाद आपको जो है यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग और मैं इस बार कोशिश करूंगा कि यहाँ पर हम लोग लाइब्रेरी ऑटोमेशन से रिलेटेड या रिसर्च से रिलेटेड जो है महत्वपूर्ण प्रश्न होते क्योंकि पढ़ने की चीज़ें अगर नेट करना है तो यही चीज़ें ठीक है मैं ये नहीं कर रहा आपसे जैसे अगर आपने क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग और आप जो वो ट्रेडिशनल तरीके से आप पढ़ते जाएंगे या जो कहते हैं ना सर वो रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाए 40-50 घंटे के 60 घंटे के उनसे आप कर ले तो ठीक है अगर किसी लोकल लेवल का एग्ज़ाम है अगर आप वो करना चाहते हैं तो आपका हो जाएगा लेकिन यू जी सी जैसी चीज़ों के लिए आपको हमेशा समय के साथ अपने आपको अपग्रेड करना होगा नए कंटेंट के साथ आप काम करेंगे तो ही आप इसको क्वालिफाई करना कर पाएंगे कि अन्यथा वही आपका दो नंबर से रह गया सर चार नंबर से रह गया इस बार और कर लूंगा फिर होता भी क्या इंसान देखिए कब तक मेहनत करेगा उसको जब तक तीन या चार बार उसको लगता है कि हाँ नहीं हो रहा नेट दो दो चार चार पांच पांच नंबर से रह गया तो फिर वो शायद कहीं ना कहीं वो सही मार्गदर्शन न मिलने के कारण जो है वो चीजें छोड़ देता है तो ऐसा आपको नहीं करना है मैं यही चाहता हूं मैं तो इवन बच्चों को इतना मोटिवेट करता हूं कि जिसका बिलीव हुआ है जिसका एमलिप नहीं भी हुआ वो भी नेट का फॉर्म भर दे और बच्चे पहले कहते थे सर कि नेट का फॉर्म सर मैं तो अभी एमलिप भी नहीं हुआ तो मैंने कहा एमलिप करके भी कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लोगे तुम है ना करना क्या है करना पढ़ाई करनी है और मैंने ये चीज़ एग्जाम्पल्स दिए हैं केवल लाइब्रेरी साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर मैंने आप इस यूट्यूब के ऊपर प्रीवियस वीडियोस में प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप बच्चों के इंटरव्यू तक देख सकते हैं और ऐसे कई सारी चीजें मैंने को जिसमें बच्चों का एमलिब नहीं हुआ है उन्होंने एमलिब में एडमिशन नहीं लिया उनका जेआरएफ हो गया रीजन बिहाइंड कंसिस्टेंसी के साथ मैंने जो कंटेंट बताया कि ऐसा पढ़ो वैसा पढ़ो तो उस मार्गदर्शन के कर लिए मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं सुपीरियर मार्गदर्शन दे रहा हूं लेकिन जरूरी है अगर आपको यूजीसी एंटी नेट क्वालिफाई करना है तो एक सही मार्गदर्शन बाकी आप एनर्जी वेस्ट करेंगे होगा कुछ भी नहीं और जब आप एनर्जी लगाएंगे सही दिशा में अगर वो एनर्जी नहीं लगेगी तो आपका समय बर्बाद होगा छः महीने बाद आप डिप्रेशन में आएंगे यार दो बार नेट दी नहीं हुआ तीन बार चलो कोई बात नहीं अब लाइब्रेरी साइंस छोड़ते हैं अब हिस्ट्री में देते हैं ना आप किसी और सब्जेक्ट में देते हैं तो वो भी आपका आप दिशा भ्रमित होते हैं वो आपको नहीं करना है मैं ये नहीं रहा कि आप एक चीज़ को छोड़कर दूसरी में जाएँ लेकिन कंसिस्टेंसी आप लगातार मेहनत करें अपने आप को समय के साथ अपडेट करते हुए चलें एक अच्छे मार्गदर्शक के साथ चलें आप किसी सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ जाएं जहां पर चीज़ें आपको समझ में आए और उनको लेकर आप चलेंगे तो डेफिनेटली जो है आप अच्छा और बेहतर कर पाएंगे मेरी दुआएं आपके साथ में और ये क्योंकि एज एन सब्जेक्ट एक्सपर्ट में आपसे ये कह सकता हूँ तो इफ़ यू वांट टू कम विथ अस अगर आप चाहते हैं कि हाँ दिसंबर 2023 का नेट क्रैक कर रहा है अच्छे नंबर से मार्जिनल क्रैक करना है आपको तो आप इस सफर के अंदर शामिल हो सकते तो ये आज के बारे में समय अवधि या समय जो है थोड़ा सा कम रहता है और ये एक घंटे के अंदर तो पॉसिबल नहीं है सी जब मैं एप्लीकेशन में पढ़ाता हूँ तो वहाँ तीन घंटे की क्लास होती है जब जाके सी एम होता है जहाँ पर छोटी छोटी बारीकियाँ करते हैं और फिर उसके बाद कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं और मैं हम लोग ये भी प्रडिक्शन करते हैं कई बार के यहाँ हो गया और फिर मैं पढ़ने के लिए बच्चों को कुछ होमवर्क भी देता हूँ कि आप ये करके आइए क्योंकि अगली बार अब मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है और ऐसा कई बार हुआ है ना जो बच्चे नेट क्लियर हो चुके हैं उनसे आप पूछना जो पढ़ के उन्होंने कहा उन्होंने बोला कि हाँ सर आपका जो डाउट था वो डाउट नहीं है वो हमारी स्टिंग है हमें लगता है कि हाँ यहां से सवाल आप बन सकता है लेकिन पुराने कंटेंट को लेकर अगर उसी को लेंगे तो जो पढ़ते आए तो फिर वही होगा जो अब तक होता है तो इसलिए आपको समय के साथ अपने आपको अपडेट करना पड़ेगा नया अपन आपको लाना पड़ेगा आपको पड़ेगा आज की क्लास के अंदर जो है मैं इतना ही आप है ना और अगली क्लास के अंदर आपसे फिर से मुलाकात करूंगा मैं नए टॉपिक में शीर्षक के साथ होंगे लेकिन मैंने आपको बताया कि सीएमएस क्या है और आपको कैसे इसको पढ़ना है कैसे आपको उसका अध्ययन करना है तो जो चीजें मैंने आपको बताई इन सॉफ्टवेयर के बारे में आप जरूर देखिएगा आज की क्लास में इतनी ही आपसे फिर से मुलाकात करेंगे और जो लोग आप में से अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आईसीटी की तैयारी कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की तो मेरी कुछ देर बाद जो है हमारा दूसरा चैनल दट इज नॉन इज टीचर्स अड्डा बाय टारगेट अभी तो वहाँ पर हम लोग जो है आई के क्वेश्चन करेंगे दो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जो वहाँ पर है इसके अलावा आप जो कुछ भी अगर किसी भी एग्जाम में आप जनरल पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा दूसरा चैनल जो है टीचर्स अड्डा बाय टारगेट भी उसके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर हिंदी इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग आईसीटी की समस्त बेहतरीन एक्सपर्ट टीम के साथ जो वहां पर क्लासेस चलती है तो अगले पंद्रह बीस मिनट बाद जो है मैं आपसे उस चैनल पर फिर से मुलाकात करता हूँ, नए क्वेश्चन किसी सीधे तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद रात्रि।